दोस्तों, अगर आप सऊदी अरबिया में रहते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आप सऊदी गवर्नमेंट साइट के बारे में बताने वाला हूँ, जिस साइट पे आपका अकाउंट होना ज़रूरी है। दोस्तों, अगर आपको उस साइट पे अकाउंट रहता है, आप इस अकाउंट के थ्रू अपने कंपनी में वैकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको एग्ज़िट जाना है तो आप एग्ज़िट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको किसी और दूसरे कंपनी में जाना है दोस्तों काम करने के लिए, तो अपने कंपनी से बात करके आप इसी एप्लीकेशन के थ्रू जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं इस साइट पे अपना अकाउंट किस तरह से बनाएंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राज और आप देख रहे हैं मेरा चैनल राज टेक्निकल इन्फो। तो दोस्तों, क्यूवा में रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र ओपन करते हैं। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद में यहाँ पर लिखेंगे क्यूवा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ qua.sa, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्यूवा होम, इस पर क्लिक करेंगे। अभी आप देख रहे होंगे कॉर्नर पे 3 लाइन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे लिखा हुआ रजिस्टर, अब रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अपना अकामा नंबर डालेंगे। अकामा नंबर डालने के बाद में अकामा एक्सपायरी आप लिखिएगा दोस्तों, यहाँ हिजरी में होना चाहिए। अगर आपको हिजरी अगर नहीं मालूम है तो आप गूगल क्रोम में जाके इंग्लिश टू हिजरी करिएगा, तो आपको वहाँ पर ही ऑप्शन आ जाएगा आपको हिजरी डेट कन्वर्ट करने के लिए। तो मैं अभी अपना अकामा एक्सपायरी डेट डालता हूँ। एक्सपायरी डेट डालने के बाद में यहाँ वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। अब आपको जो भी नंबर आपके से लिंक कराएगा दोस्तों, उस नंबर पर आपको OTP आएगा, उस OTP को यहाँ पर फिल करेंगे। OTP डालने के बाद दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी डालना है, पासवर्ड डाल देते हैं। ओके दोस्तों, मैंने अपना पासवर्ड डाल दिया हूँ। आप एक चीज़ का ध्यान दिया है दोस्तों, अब जब पासवर्ड डालिएगा तो कम से कम आपका मिनिमम 10 कैरेक्टर का रहना चाहिए, जिसमें से आपको एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर, कोई नंबर और एक कोई सिंबल भी होना चाहिए दोस्तों। ये टोटल चीज़ मिलाएगा कम से कम मिनिमम आपको 10 कैरेक्टर का रहना चाहिए। तो मैंने अपना पासवर्ड डाल दिया हूँ। अब डालने के बाद मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। अब आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना है, तो मोबाइल नंबर आप वही डालिएगा जो आपने आप शेयर से लिंक किया था दोस्तों। तो मैं अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। अभी मोबाइल नंबर आप जब डालिएगा तो एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि दोस्तों आपको यहाँ पर 0 नहीं लगाना है। अगर आप 0 लगाते हैं तो फिर आपका नंबर एक्सेप्ट नहीं होगा। जैसे कि मैंने पहले 0 लगाया था तो मेरा नंबर एक्सेप्ट नहीं हुआ था, तो फिर मैंने अभी 0 हटा के फिर से मैं आप सेंड पे क्लिक करूँगा। दोस्तों, मैं OTP आ गया है 6382 6382। OTP आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आई एग्री में क्लिक करेंगे, क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे। ओके दोस्तों, यहाँ पे आपको कुछ टाइम लगेगा, ये आपको पूरा डॉक्यूमेंट जो है अपलोड हो रहा है दोस्तों आपको वेबसाइट पे। ये आपका गवर्नमेंट का साइट है, इसी से आप दोस्तों सब कुछ कर सकते हैं। अगर आप छुट्टी जाना है तो आप इसी से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको एग्जिट जाना है तो आप इसी से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको किसी और कंपनी में ट्रांसफ़र होना है तो आप इसी से ही अप्लाई कर सकते हैं। इस साइट का बहुत ही ज़्यादा वैल्यू है। अभी मैक्सिमम जो भी काम है दोस्तों सब इसी साइट से ही होता है। चलिए, मेरा डॉक्यूमेंट कंप्लीट होने वाला है। कंप्लीट हो चुका है। ओके दोस्तों, आप देख रहे होंगे यहाँ पे मेरा नाम आ चुका है। अब इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ओके, अब यहाँ पर व्यू पे क्लिक करेंगे। आप देख रहे होंगे मेरा अकाउंट जो है वेरीफाइड हो चुका है, मतलब कि मेरा अकाउंट जो है क्यूवा में ओपन हो गया है। दोस्तों, अगर अब मैं चाहूँ तो मैं यहाँ वैकेशन के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। अगर मुझे एग्जिट जाना है तो मैं उसके लिए भी अप्लाई कर सकता हूँ। अगर मुझे किसी कंपनी में ट्रांसफ़र होना है दोस्तों, तो मैं अपने कंपनी से बात करके मैं इसी के थ्रू अप्लाई करके जा सकता हूँ। अब आपको समझ में आ गया हो दोस्तों अपना क्यूवा अकाउंट जो है किस तरह से ओपन कर सकते हैं।
होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। अगर पसंद आया तो एक लाइक करिएगा। अगर अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे दिए गए रेड कलर बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल के आइकन पर भी क्लिक करिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि मैं कोई भी इन्फॉर्मेशन वीडियो बनाऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले दोस्तों। तो आखिर में मैं आपसे एक बात करना चाहूँगा, अगर आप मेरा वीडियो लाइक करते हैं, अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो आपको किसी तरह कोई नुकसान नहीं है, ना ही आपको कोई पेमेंट करना पड़ता। आपको ऐसा कर देने से दोस्तों हमें मोटिव मिलता है और अच्छे से काम करने के लिए और मेहनत करके आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा वीडियो बनाने के लिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट इसी तरह का यूज़फुल इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।